गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आई एम भावना, योर साइंस टीचर. टुडे वी विल कंटिन्यू आवर चैप्टर नंबर 10, स्टडी ऑफ मैटर. पेज नंबर 82, मास एंड वेट. मास होता द्रव्यमान, वेट मीन्स वजन. मास इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ सब्सटेंस. जो मास होता है वो द्रव्यमान, मास मीन्स द्रव्यमान. द्रव्यमान को किसी पदार्थ में पदार्थ की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है. पदार्थ की मात्रा यानी जो भी मैटर है वो कितना है, उसके अकॉर्डिंग द्रव्यमान को परिभाषित किया जाता है. इट इज़ मेजर्ड इन ग्राम्स एंड किलोग्राम्स. इसको मेज़र यानी मापा जाता है ग्राम्स में या किलोग्राम्स में. द अर्थ पुल्स एवरीथिंग टूवर्ड्स इट. जो पृथ्वी होती है वो सभी चीज़ों को क्या करती है, अपनी ओर खींचती है. द वेट ऑफ द बॉडी मे बी डिफाइंड एज द फोर्स विद विच द बॉडी इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. शरीर के वजन को उस बल के रूप में परिभाषित किया जाता है. द वेट ऑफ द बॉडी मे बी डिफाइंड, जो शरीर का वजन होता है उसको उस बल के रूप में परिभाषित किया जाता है. विथ विच द बॉडी इज़ अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. जैसे क्या होता है कि जो शरीर होता है वो पृथ्वी के केंद्र की ओर आकर्षित होता है, जिस वजह से. द यूनिट ऑफ वेट इज किलोग्राम, वेट ऑफ ग्राम वेट. जो यूनिट होती है वेट की वो क्या होती है, किलोग्राम होती है और ग्राम होती है. आप कभी भी वेजिटेबल्स लेने जाते हो या कोई और चीज़ लेने जाते हो तो वो हमेशा ग्राम या किलोग्राम में मेज़र करके देता है ना आपको. तो 1 किलोग्राम में कितने होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं. फ्लोटेशन यानी ऊपर की तरफ बहना या तैरना. वी सी शिप्स, बोट्स, एक्वेटिक प्लांट्स एंड मैनी इंसेक्ट्स फ्लोटिंग ऑन वाटर. हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, जैसे शिप्स हो गए, जहाज हो गए, बोट नाव हो गई, एक्वेटिक प्लांट जो पानी में पाए जाने वाले पौधे होते हैं, और कुछ कीड़े मकोड़े भी होते हैं जो हमें तैरते हुए पानी पर नज़र आते हैं. एन ऑब्जेक्ट फ्लोट्स ऑन वाटर. जो ऑब्जेक्ट होता है वो पानी के ऊपर तैरता है बिकॉज वाटर होल्ड्स इट अप. क्योंकि जो पानी होता है वो उसे अपने तक क्या करता है, पकड़ कर रखता है ऊपर की तरफ. द अपवर्ड पुश ऑफ वाटर ऑन अ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अपथ्रस्ट और बयंट फोर्स. तैरती हुई जो वस्तु होती है, द अपवर्ड पुश ऑफ वाटर ऑन अ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अपथ्रस्ट और बयंट फोर्स. कोई भी अगर वस्तु जो पानी के ऊपर तैर रही है और उसके ऊपर पानी जो होता है वो और ज़्यादा बहता है, ऊपर की ओर धकेलता है उस वस्तु को पानी, तो उसे अपथ्रस्ट या बॉयंट फोर्स या उत्पलावन फोर्स बल कहा जाता है. दिस फोर्स एक्ट्स ऑन एवरी ऑब्जेक्ट इन वाटर. ये जो फोर्स होता है ना पानी में कोई भी चीज़ हो उस पर ये जो होता है एक्ट करता ही करता है. देन देयर आर टू फैक्टर्स. इसके दो फैक्टर्स हैं. फर्स्ट यानी फैक्टर्स होते हैं कारक. फर्स्ट बॉयंट फोर्स हेल्प्स द थिंग्स टू फ्लोट. जो बॉयंट फोर्स होता है, उत्प्लावन जो बल होता है, वो किसी भी चीज़ को पानी के ऊपर तैरने में हेल्प करता है. डेंसिटी, डेंसिटी होता है घनत्व, किसी भी वस्तु का घनत्व. डेंसिटी हेल्प्स द थिंग्स टू फ्लोट और सिंक. जो घनत्व होता है वो डिपेंड करता है कि कितना है. अगर घनत्व कम होगा तो वो चीज़ जो होगी ऊपर तैरेगी, अगर पानी का घनत्व ज़्यादा होगा तो वो डूब जाएगी जो भी चीज़ें होंगी. इफ़ द डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ लेस, अगर जो घनत्व है किसी भी चीज़ का अगर वो कम होता है देन दैट ऑफ वाटर, पानी के कंपेयर में, तो वो ऊपर तैरता रहेगा. एंड इफ़ द डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ मोर देन वाटर इट सिंक्स. अगर घनत्व ज़्यादा होगा तो वो वस्तु जो होगी क्या होगी, डूब जाएगी. जैसे पानी की मात्रा अगर बहुत ज़्यादा है तो वो वस्तु उसके अंदर क्या होगी, जो वस्तु है अगर वो ज़्यादा है तो वो क्या होगी, पानी के अंदर डूब जाएगी. अगर वस्तु जो कम है तो वो पानी के ऊपर तैरती हुई नज़र आएगी. तो आज के लिए इतना.
आपका होमवर्क है। ये चैप्टर तो यहीं पर फिनिश होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी एक्सरसाइज वर्क करेंगे और जो क्वेश्चन आंसर्स होंगे वो करेंगे। तो अभी आपका होमवर्क यही है, जितना चैप्टर आपको अभी तक पढ़ाया है ना उसे आप एक बार अच्छे से रीड करेंगे। किसी वर्ड का कोई मीनिंग समझ में नहीं आता तो अगली क्लास में आप पूछ सकते हैं, और अपनी कॉपीज़ को टाइमली स्कूल में सबमिट करवाइए और अपना जितना भी काम है वो सारा के सारा कंप्लीट करके रखिए। ओके, थैंक यू।